साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आज भोपाल के ऐसे शिक्षक से हम आपको मिलवाते हैं जो गरीब बस्तियों के बच्चों को शिक्षित बना रहे हैं। शिक्षक विजय अय्यर का अंदाज थोड़ा अलग है। वो गाना बजाते हुए स्कूटी से बस्तियों में पहुंचते हैं और अपनी मूविंग स्कूल यानी कि एक्टिवा से बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक करते हैं। साथ ही जरूरतमंद बच्चों को कॉपी किताब भी साथ ही साथ खिलौने भी बांटते हैं। भविष्य को संवारना सबसे नेक काम है और कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं राजधानी भोपाल के विजय अय्यर, जिन्होंने आप देखेंगे एक चलता फिरता जो एजुकेशन एक्सप्रेस से अपने स्कूटर को बना रखा है और वो स्लम एरिया में पहुंचते हैं जहां पर ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है क्योंकि वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे में विजय अय्यर ने ये जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है और आप देखेंगे इस स्कूटर की खासियत कि यहाँ पर जो सारा एजुकेशन एक्सप्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे शिक्षा रथ लिखा हुआ है और स्कूल यूनिफॉर्म के साथ ही इस बात को लेकर भी यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर आप कोई सामान किताबें कॉपी ऐसे बच्चों को दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये डब्बा है जहां पर इन्होंने निःशुल्क खिलौने दान करने का भी एक मैसेज दिया हुआ है। किताबें यहां से निकालते हैं और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्लम एरिया में पहुंचते हैं और ये काम वो बहुत दिनों से कर रहे हैं और मकसद यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके ताकि बच्चों का भविष्य सबर सके। और ऐसी कई राजधानी भोपाल की अलग अलग झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर वो पहुंचते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो सबर सके। और आम बच्चों के साथ ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बनने का जो सपना है, डॉक्टर, इंजीनियर और अलग जो अपने जो सपने उनके संजोए हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का जो सपना है ये बच्चे भी पूरा कर सके। ये वो कमरा है झुग्गी बस्ती का जहां पर रोज विजय पहुंचते हैं और इसी तरह से जो बच्चों को एजुकेशन है लैपटॉप के माध्यम से वो दी जाती है, बोर्ड के माध्यम से। ये बोर्ड है विजय जी और यहां पर लैपटॉप के माध्यम से बोर्ड के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा दे। हाँ जी, ये व्हाइट बोर्ड है, उसके बाद बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के लिए, बच्चे का बहुत वर्चुअली है तो बच्चों को गेम्स के माध्यम से और वर्चुअल डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का स्तर उनका और बेहतर किया जाता है। और यह हमारा जो मूवमेंट है विगत 3 वर्ष पूर्व हमारे आदरणीय दादी सरस्वती बाबानी जी के मार्गदर्शन में स्टार्ट हुआ, जो कि मुंबई में रहती है और वही इस पूरे मूवमेंट के लिए फंडिंग करती है। अभी तक कितने बच्चे हैं जिनको आपने स्कूल्स में एडमिशन कराया और आप यहाँ पर पहुंचते हैं पढ़ाने के लिए? अभी पूरे भोपाल शहर में देखा जाए तो 300 के ऊपर बच्चों के एडमिशन करवाए और साथ ही साथ 3000 से अधिक बच्चों को पूरे भोपाल शहर के अलग अलग आंगनवाड़ी, अलग अलग स्लम से में जाके इस एजुकेशन एक्सप्रेस के माध्यम से शिक्षित किया और डिजिटल एजुकेशन से जोड़ा है। तो इनको कॉपी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, तमाम जो चीजें हैं वो आप इनको उपलब्ध कराते हैं? कॉपी किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, बैग्स, इनके लिए कपड़े और इनके न्यूट्रिशन समय समय पे जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हमारे द्वारा व्यवस्था कराई जाती है। बहुत सारी ऐसी स्लम बस्तियां हैं भोपाल की जहाँ पर आप काम कर रहे हैं? जी, जेपी नगर स्लम हो गया, आपका नारियलखेड़ा हो गया, ओल्ड भोपाल हो गया, 12 नंबर स्लम हो गया, बैरागढ़, गाय नगर स्लम, यहाँ पे एजुकेशन एक्सप्रेस के द्वारा ये सुविधा इनको दी जाती है। तो बच्चों आज क्या है? शिक्षक डे। बोलो, एक साथ सभी एक साथ। ये बच्चे हैं, इनके चेहरे खिले हैं क्योंकि आज टीचर्स डे है और ये इसीलिए सबको विश भी कर रहे हैं कि हैप्पी टीचर्स डे। लेकिन ये जो बच्चे हैं यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और ये जो पूरा कमरा है आप देखेंगे कि एजुकेशन डिजिट्स और एक अलग तरह के प्रयोगों के साथ भरा हुआ नजर आ रहा है और विजय अय्यर जैसे शिक्षक की जरूरत इन बच्चों को है ताकि ये बच्चे भी अपने भविष्य को संवार सके और इनकी आंखों में जो कुछ बनने का सपना है उस सपने को ये सारे बच्चे पूरा कर सके। तो आज शिक्षक दिवस पर ये हमारी खास पेशकश थी जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से आप भी इस तरीके से पहल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ज्ञान है और आप ऐसे बच्चों को बांटना चाहते हैं तो जरूर ऐसी पहल कीजिए और बच्चों को ज्ञान का उजियारा जरूर दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।